नमस्कार दोस्तों, सीएसटी एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग 67 बीपीएससी मेंस के टेस्ट सीरीज और टेस्ट सीरीज के साथ जो हमारा क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम है उसके ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं, और साथ ही साथ इस टेस्ट सीरीज के क्या शेड्यूल होंगे, किस तरह से हम लोग टॉपिक को कवर करेंगे, और यह टेस्ट सीरीज किस तरह से एग्जाम ओरिएंटेड होगा और आपके लिए कितना हेल्पफुल होगा। आइए देखते हैं क्या है यह शेड्यूल। सबसे पहले इस टेस्ट सीरीज का, हमारे टेस्ट सीरीज का जो यूएसपी है वह एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होंगे। ना केवल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होंगे बल्कि इसके साथ साथ इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वह एक्सपर्ट, जो भी सब्जेक्ट एक्सपर्ट है आइदर, या फिर जो हमारे यहाँ के प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं जिनका सिलेक्शन हो चुका है उनके द्वारा होगा। और इतना ही नहीं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जैसा कि लास्ट वीडियो में श्रीकांत ने कहा है 180 के आसपास मार्क्स आया पेपर वन में, तो किस तरह से वह क्वेश्चन लिखता था उसके कुछ क्वेश्चंस पेपर और जो आंसर सीट है उसको भी हम लोग शेयर करेंगे। तो बिना इसको ये किए हुए हम लोग देखते हैं हमारा शेड्यूल क्या है और किस तरह से हम लोग टेस्ट को ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहला टेस्ट जो हमारा स्टार्ट हो रहा है 16 अक्टूबर से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग टेस्ट। 16/10/2022 को पहला टेस्ट है और वह है इंडियन पॉलिटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर जनरल स्टडीज के सारे सेक्शन को देखा जाए तो उसमें सबसे अधिक डायनामिक सेक्शन, सबसे अधिक चैलेंजिंग सेक्शन पेपर टू में इंडियन पॉलिटी है, इसलिए हम लोगों ने पहले इंडियन पॉलिटी को ऑप्ट किया है और इंडियन पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ट टेस्ट लेने के पीछे लॉजिक क्या है इससे आपको ट्रेंड पता चलेगा, जो हमें किस तरह के टॉपिक को कवर करने की जरूरत है, तो वैसे टॉपिक पे ही आप वर्कआउट कर पाएंगे। और जब हम ट्रेंड के अकॉर्डिंग मेंस को प्रिपेयर करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है हमारा परफॉर्मेंस अच्छा होगा और मार्क्स ओरिएंटेड अप्रोच होगा वो। तो 16 को हमारा इंडियन पॉलिटी है। उसके बाद हमारे जो सेक्शनल टेस्ट मींस इंडियन पॉलिटी के अलग अलग यूनिट को हम लोगों ने डिजाइन किया है जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है और एग्जाम के ट्रेंड के अनुसार है। नेक्स्ट टेस्ट हमारा 19 को है आफ्टर 3 डेज, 3 दिन के बाद ही यह टेस्ट है, क्योंकि टेस्ट की फ्रीक्वेंसी अधिक होगी, गैप कम है, क्योंकि 3 महीने ही आपको less than 3 months का टाइम पीरियड है आपके पास, इसलिए हम लोगों ने इसकी फ्रीक्वेंसी को कम रखा। आइए देखते हैं इसमें किस तरह के टॉपिक है तो आप थोड़ा अच्छे से चीजों को समझ पाएंगे। जैसे पहला टेस्ट ही जो टॉपिक वाइज है उसमें पहला टॉपिक ही है डेमोक्रेसी एंड रिलेटेड डायमेंशन। एग्जैक्टली जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, उससे संबंधित जो डायमेंशन है, जो आयाम है, उससे हमारे एक क्वेश्चन होते हैं। कैसे एक क्वेश्चन होते हैं, लाइक पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल से संबंधित जो भी गतिविधियां होती है, ऑब्वियस ही बात है वह लोकतंत्र का पार्ट होता है, या फिर निर्वाचन आयोग से संबंधित बातें, वो सारे हमारे डेमोक्रेसी के पार्ट हैं, इसलिए पहला टेस्ट ही हमने इसको रखा है। और इसमें क्या क्या टॉपिक कवर होंगे और किस टॉपिक से आपके क्वेश्चन होंगे यह भी डाल रखा है। जैसे पहला लोकतंत्र संबंधी आयाम में डिस्प्यूट बिटवीन न्यायपालिका और विधायिका के बीच जो विवाद होता है वह एंगल हम लोग कवर करेंगे। साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दल क्या होता है, राजनीतिक दल कितने प्रकार के होते हैं, राजनीतिक दल की वर्तमान प्रवृत्ति क्या है, क्या ट्रेंड्स हैं, क्या राजनीतिक दल में भी डेमोक्रेसी है या इंटर डेमोक्रेसी का क्राइसिस है, कुछ इस तरह की बात है। जो अप्लाइड फॉर्मेट है, जो अभी वर्तमान में समसामयिक मुद्दे है उससे जोड़ते हुए हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक को डिस्कस करने का सेंस है क्वेश्चन को देंगे आपको और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप आंसर करेंगे, देन फिर हमारा जो डिस्कशन होगा या जो एक्सपर्ट पैनल का डिस्कशन होगा यह आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो इस तरह से पॉलिटिकल पार्टी बेस्ड टॉपिक होंगे। फिर कोलिएशन गवर्नमेंट, गठबंधन सरकार, किस तरह से गठबंधन सरकार जो है वह डेमोक्रेसी पे प्रभाव डालते, इसके क्वेश्चंस अभी रखे हैं आपके प्रीवियस एग्जाम में और अभी भी ट्रेंड है। तो कोलिएशन गवर्नमेंट से गठबंधन सरकार का क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, क्या इसके पॉजिटिव इंपैक्ट है, क्या इसके नेगेटिव इंपैक्ट है, तो इस तरह के टॉपिक। फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन में बेसिकली जो डायमेंशन बनता है हमारा वह फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन कौन कौन से स्टेप्स को ले रही है। रिसेंटली जो इलेक्शन हुए हैं उसमें इलेक्शन कमीशन ने कुछ नए स्टेप्स को भी लिया है, तो वो सारी चीजें क्या है यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो इस तरह से इलेक्शन कमीशन बेस्ड हम लोग क्वेश्चन को ऑर्गेनाइज करेंगे और फिर आपको उसको आंसर करेंगे और देन फिर हमारा जो एक्सप्लेनेशन होगा, जो मटेरियल होगा, यह आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। अगेन फिर वन नेशन वन इलेक्शन जो करंट अफेयर्स बेस्ड टॉपिक भी है और इंपॉर्टेंट भी है। फिर एंटी डिफेक्शन लॉ को हम लोग करंट से जोड़ते हुए, या फिर बिहार में भी दल बदल जैसी घटनाएं हो चुकी है, एक पूरी पार्टी जो है वह किसी पार्टी में
विलय उस पार्टी का विलय हो चुका है, मर्ज हो चुका है, जैसे AIMI के का कंप्लीट जितने भी विधायक विधायक थे वो सारे RJD में मर्ज हो गए, या क्या है एंटी डिफेक्शन लॉ क्या उनके ऊपर अप्लाई होगा, कुछ इस तरह की बात है। और फिर ये सारा टॉपिक होगा, देन फिर हम लोग आएंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बेस्ड टॉपिक पे। कॉन्स्टिट्यूशनल बेस्ड टॉपिक में पहला टॉपिक होगा प्रीएम्बल। प्रीएम्बल से क्वेश्चंस आपके आ रखे हैं, प्रीएम्बल से एक क्वेश्चन आ रखा है, जो प्रीएम्बल में वर्ड है सॉवरेनिटी है, संप्रभुता है, सोशलिज्म है और सेकुलरिज्म है, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, मीन्स इसमें कौन कौन से संवैधानिक प्रावधान है, बहुत अप्लाइड क्वेश्चन है, लेकिन इसके अलावा भी यहां से बहुत सारे अप्लाइड क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटीज है। जैसे जैसे अगर सोशलिज्म समाजवाद की बात की जाए तो ऑब्वियस ही बात है यह इकोनॉमिकल कंसर्न में यहां से मेंस के क्वेश्चन आ सकते हैं, जो प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट की पॉलिसी है वह पॉलिसी प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट कर रही है, क्या यह निजीकरण के इस प्रमोशन से जो सोशलिज्म नेचर है गवर्नमेंट का वह हर्ट हो रहा है, क्या उसकी प्रासंगिकता कम हो रही है, इस तरह के पॉइंट और इस तरह का रिलेवेंट एस्पेक्ट जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। फिर आप देखोगे यहाँ पे सॉवरेनिटी है, संप्रभुता है, ऑब्वियस ही बात है संप्रभुता से भी हमारे अप्लाइड डायमेंशन क्वेश्चंस ये बन सकते हैं, जैसे भारत में संप्रभुता के लिए थ्रेट्स कौन कौन सी है, कौन कौन सी चुनौतियां हैं, टेररिज्म है, नक्सलिज्म है या फिर ऑर्गेनाइज क्राइम है, संगठित अपराध है, इस तरह के क्वेश्चन जो की अप्लाइड क्वेश्चन है जो हम लोग डिस्कस करेंगे और इससे आपको हेल्प मिलेगा। इसी तरह से फिर सेकुलरिज्म है, पंथ निरपेक्षता है, तो पंथ निरपेक्षता से क्वेश्चन पहले भी मेंस में आ रखा है, और पंथ निरपेक्षता से जो डायमेंशन बनता है वह सांप्रदायिकता बनता है, कम्युनलिज्म। तो सांप्रदायिकता क्या है, सांप्रदायिकता का क्या प्रभाव पड़ता है, सांप्रदायिक दंगे के कारण क्या होते हैं और उसको कंट्रोल करने के क्या टेक्निक्स, मींस ऑल आर अप्लाइड डायमेंशन जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, उसका करंट समसामयिक जो उससे संबंधित बातें हो रही है वह हमारे ये इंपॉर्टेंट होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके साथ होंगे, जो टेस्ट सीरीज हमारा होगा इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद फंडामेंटल राइट एंड रिलेटेड टॉपिक्स जो होंगे, जैसे आर्टिकल 21 किस तरह से DPSP के बहुत सारे प्रावधान को आर्टिकल 21 के तहत फंडामेंटल राइट का पार्ट बनाया गया है, या फिर आर्टिकल 14 किस तरह से CAA और NRC के मुद्दा से जुड़ा हुआ है, कुछ इस तरह के अप्लाइड पॉइंट्स। फिर DPSP डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP राज्य के नीति निर्देशक तत्व से भी क्वेश्चन पूछे जा रखे हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व केवल एक निर्देशात्मक है लेकिन राज्यों के लिए, तो क्या यह राज्य इसको इंप्लीमेंट करे या नहीं करे, किस तरह से, क्या यह राज्य के लिए कंपलसरी है, तो इस तरह की बातें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। फिर दूसरा है पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय शासन प्रणाली से भी एक क्वेश्चन आ रखा है आपको, लास्ट एग्जाम में ही आ रखा है। संसदीय शासन प्रणाली से जो क्वेश्चन आ रखा हुआ, क्वेश्चन का फ्रेमिंग कुछ इस तरह से था, जो भारत में परिवार के किसी बुजुर्ग सदस्य के पास अगर सारे अधिकार होते हुए भी वो अपने अधिकार का प्रयोग नहीं कर पाए, इस तरह का कुछ कंटेक्स्ट था क्वेश्चन का। दैट मींस क्या, जो संसदीय शासन प्रणाली में जो वास्तविक प्रधान होता है वो प्रधानमंत्री होता है, जो राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान होते हैं लेकिन वह सिंबॉलिक होते हैं, कुछ इस कंसर्न में ये क्वेश्चन था। तो इसी तरह से हम लोग पार्लियामेंट्री सिस्टम के क्वेश्चंस को देखेंगे। और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड बेसिक स्ट्रक्चर का, थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना का सिद्धांत क्या है और आधारभूत संरचना संविधान के कैसे भाग को आधारभूत संरचना में काउंट किया जाता है और इसका आधार क्या है, किस संविधान के किस भाग को आधारभूत संरचना में रिकॉग्नाइज होगा, इसको कौन तय करेगा। तो ऑब्वियस ही बात है इस तरह की बातें और इस तरह के अप्लाइड एस्पेक्ट्स आपके मेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, जो कि हम लोग 19 तारीख को जो एग्जाम होगी उसमें कवर अप करने वाले हैं। ये सारे टॉपिक है, इसको आप इसी एंगल से देखेंगे और जो हमारे एग्जाम होंगे, हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज होगा, उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे आपके पास, आप आंसर देंगे और फिर हमारे एक्सपर्ट के द्वारा उसका आपको एग्जैक्ट आंसर दिया जाएगा और एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। यही हमारा शेड्यूल है 19 तारीख का। फिर आगे देखते हैं हम लोग क्या है, इस टेस्ट में कुछ और टॉपिक होंगे, जैसे कि जुडिशियरी बेस्ड टॉपिक होंगे, जुडिशियरी सिस्टम क्वेश्चन भी पूछा गया, जुडिशियरी एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियता क्या होती है, क्या न्यायिक सक्रियता के कारण विधायिका और न्यायपालिका में टकराव होता है, कुछ इस तरह की बातें। और उसके बाद जुडिशियल रिव्यू, एक बार क्वेश्चन जुडिशियल एक्टिविज्म से पूछा गया, एक बार जुडिशियल रिव्यू, चीजें दोनों सेम है लेकिन लिखने का तरीका हमारा अलग अलग होगा, ध्यान रखना है और बच्चा यहाँ गलती किया है। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन के साथ आपके साथ एक्सरसाइज करेंगे ताकि एग्जाम हॉल में आपसे जो यह गलतियां होंगी वह कम हो पाए। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे ज्यूडिशियल अपॉइंटमेंट डिस्प्यूट्स,
जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट को लेकर के भारत सरकार के द्वारा जो बिल लाया गया था उस बिल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिफाइन किया है सुप्रीम कोर्ट ने। क्या यह डिस्प्यूट होना क्या है, ओल्ड मुद्दा, लेकिन चूंकि बीच बीच में इसके ऊपर डिबेट होते रहते हैं इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और हम लोग इसको देखते हैं। फिर उसके बाद रोल ऑफ गवर्नर एंड रिलेटेड इश्यूज, राज्यपाल ऑब्वियस बात है रबर स्टाम्प, प्रेसिडेंट वाला पार्लियामेंट्री सिस्टम है और राज्यपाल का भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप पाएगा यह टॉपिक और इसको बिहार के परिप्रेक्ष्य में बिहार के संदर्भ में। फिर उसके बाद सेंट्रल स्टेट रिलेशन, केंद्र राज्य संबंध, यहां भी क्वेश्चन पूछ रखा है आपसे, फेडरलिज्म से, इंडियन फेडरल सिस्टम से किस तरह से भारतीय संघवाद जो है वह सेंटर ओरिएंटेड है, मींस सेंटर है मोर पावर एज कंपेयर टू स्टेट, हाउ, इस तरह की चीजें और इसके क्या नए ट्रेंड्स हैं, लाइक फेडरलिज्म का कुछ नया ट्रेंड भी है, नया ट्रेंड है कॉपरेटिव फेडरलिज्म, सहकारी संघवाद, और इस सहकारी संघवाद जैसे वर्ड काफी न्यूज अभी पॉपुलर हुआ है और चर्चा में रहता है, तो क्या यह सहकारी संघवाद कैसे होता है, सहकारी संघवाद क्या है, इसका क्या प्रभाव पड़ा है, क्या नीति आयोग जैसे इंस्टीट्यूशन इसको प्रमोट किया है, क्या जीएसटी काउंसिल का भी इसमें कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो इस तरह की बात मीन यहाँ पे थोड़ा सा इकोनॉमिकल कंसर्न यहाँ पे हम लोग लेंगे। फिर फेडरल फिनांस, संघीय वित्त और उससे संबंधित जो डिस्प्यूट्स है उससे बेस्ट क्वेश्चन आपके आपके लिए पास होगा। फिर लोकल गवर्नेंस, स्थानीय शासन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पंचायत स्थानीय शासन पंचायती राज अधिनियम तो इंपॉर्टेंट है ही है, साथ ही साथ बिहार सरकार ने बहुत सारे रूरल एरिया को नगर पंचायत, नगर निगम और नगर परिषद के रूप में कन्वर्ट किया, मीन्स अर्बनाइजेशन को स्प्रेड किया है, तो उसकी क्या पॉलिसी है और उसका बिहार के इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, उसके पीछे क्या रीजन था, तो इस तरह की बातें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, अर्बन ऑथोरिटी से ये टॉपिक होंगे। फिर कुछ नए टॉपिक जैसे ई गवर्नेंस से एक बार पूछ रखा है क्वेश्चन, तो ऑब्वियस बात है ऐसे क्वेश्चन जनरली रिपीट नहीं होते हैं, तो ई गवर्नेंस पूछ रखा है तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो ये सारे कुछ स्टैटिकल टॉपिक है जो आप जो कि आपके पॉलिटी में पूछे जाएंगे, जिसमें से मैक्सिमम टॉपिक का कवरेज जो है आपको 19 तारीख के टेस्ट में हो जाएगा और रिमेनिंग टॉपिक जो है आपको 22 तारीख के टेस्ट में कवर हो पाएंगे, और साथ ही साथ इसमें करंट अफेयर्स बेस्ट टॉपिक भी जो होंगे वह देख लिया जाएगा कौन कौन से टॉपिक करंट में समसामयिक मुद्दे में इंपॉर्टेंट रहा है, जैसे अभी रिसेंटली आर्टिकल 100 अमेंडमेंट 103 था या और बहुत सारी चीजें थी, तो उसको हम लोग कवरअप करेंगे और जो कि आपके पास क्वेश्चन के फॉर्म में जाएगा आप उसको आंसर करेंगे और उसके सही आंसर को हमारे एक्सपर्ट पैनल के द्वारा एक्सप्लेनेशन होगा जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा और टॉपिक के डायमेंशन से आपको पता चल रहा होगा इंडियन पॉलिटी को कितना अप्लाइड बनाने का कोशिश किया गया है। और इसके बाद जो हमारा मेन है आपका जो टेस्ट होगा वह फुल लेंथ टेस्ट इंडियन पॉलिटी का होगा जो कि न्यू क्वेश्चन के फ्रेम में होगा, यह अपने आप में अल्टीमेट टेस्ट होगा, यह इंपॉर्टेंट है। पहला भी फुल लेंथ टेस्ट जो हमने डिस्कस किया था, मैंने पहले डिस्कस किया था, वह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के फॉर्म में होगा और लास्ट फुल लेंथ टेस्ट जो होंगे वह न्यू क्वेश्चन के फॉर्म में होंगे और इस न्यू क्वेश्चन से एक्चुअल में आपका इवैल्यूएशन होगा। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट है इंडियन पॉलिटी चूंकि जनरल स्टडीज का सबसे अधिक कॉम्प्लेक्स और सबसे अधिक डायनामिक सब्जेक्ट है, इसलिए मैंने इसको डिटेल में डिस्कस किया है। और इसके लिए अगर आप कहेंगे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, कहां से आपको पढ़ना चाहिए, तो आपको कन्वेंशनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ साथ जैसे लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ते हैं उसको पढ़िए, प्रीलिम्स में भी आपने पढ़ा होगा, लेकिन उसमें चीजें दे रखी है उसका जो है किस तरह से यूज करना है और किस तरह से वह क्वेश्चन के साथ कनेक्ट होगा, ये चीजें उसमें नहीं है। तो यहां पे आपको उसके लिए क्या करना होगा, आपको सबसे पहले एनसीईआरटी 11th क्लास भारत में लोकतंत्र समस्याएं एवं चुनौती, ठीक है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरा आपको करना है अवर पार्लियामेंट सुहास कश्यप, वहां से आपको कुछ टॉपिक को कवर अप करना है अवर पार्लियामेंट सुभाष कश्यप। इसके अलावा एक टॉपिक एक बुक और है जो हिस्ट्री का बेसिकली है, बिपिन चंद्रा की बुक 1857 के रिवॉल्यूशन के बाद से जो बुक लिखी है भारत स्वतंत्रता संग्राम इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, उसके लास्ट के 3 और 4 टॉपिक को आपको कवर अप करना है क्योंकि उसमें डेवलपमेंट ऑफ कास्टिज्म इन इंडिया, डेवलपमेंट ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडिया, डेवलपमेंट ऑफ रीजनलिज्म इन इंडिया, डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट इकोनॉमिकल आइडियोलॉजी इन इंडिया, ये सब चीजें दे रखी होती है जो हमारे बीपीएससी मेंस में इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों यहां पे इंपॉर्टेंट है आपको सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए तो ही आप सटीक तरीके से क्वेश्चन तक पहुंच पाएंगे इंडियन पॉलिटी का, क्योंकि इंडियन पॉलिटी के जो क्वेश्चन होते हैं वह या तो यूपीएससी के पैरेलल होते हैं या मोर देन यूपीएससी से अधिक कॉम्प्लेक्स होते हैं, आपको ध्यान रखना होगा इसको। और
इसलिए आपको सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में भी सिलेक्टेड अप्रोच अप्लाई करना है, जिसमें एनसीईआरटी बुक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। डेमोक्रेटिक प्रॉब्लम्स एंड इट्स चैलेंजेस इन इंडिया, भारत में लोकतंत्र समस्याएं एवं चुनौती, 11th स्टैंडर्ड, और दूसरा आवर पार्लियामेंट सुभाष कश्यप, और तीसरा बिपिन चंद्रा इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के लास्ट के तीन और चार टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट हमारे लिए। तो इस तरह से आप इंडियन पॉलिटी को हम लोग होलिस्टिक अप्रोच के साथ, होलिस्टिक मैनर के साथ प्रिपेयर करेंगे। और मुझे बिलीव है जब हम लोग इस तरह से प्रिपेयर करेंगे तो आपके जो एग्जाम में क्वेश्चंस होंगे, एग्जैक्ट क्वेश्चन कभी नहीं होता है, लेकिन इसके अराउंड ही क्वेश्चन होगा और उसको आप इजीली लिख पाएंगे और उसको समझ भी पाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। तो दोस्तों 25 तारीख को 25/10/2022 को हमारा फुल लेंथ टेस्ट होगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट टेस्ट क्या है हमारा। इंडियन पॉलिटी के फुल लेंथ टेस्ट के बाद हम लोग किस सेक्शन को कवर अप करने वाले हैं। ऑब्वियसली बात है, दूसरा जो सबसे अधिक डायनामिक सेक्शन दिखता है हमें, वह दिखता है पेपर टू का ही ज्योग्राफिकल और इकोनॉमिकल वाला सेक्शन, इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन। तो सेकंड नंबर पे हम लोगों ने टेस्ट में उसी को रखा है, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन में। सेम एज इसमें भी हमारा यही स्ट्रेटेजी है। पहला टेस्ट जो 27 को आपको होने वाला है, उसमें हम लोग पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बेस्ट क्वेश्चन होंगे, प्रीवियस ईयर बेस्ट आपके क्वेश्चन होंगे और उसका एक्सप्लेनेशन होगा। इससे भी यह भी यहाँ पे इसलिए दिया गया ताकि आप इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी के ट्रेंड को समझ पाए, जो हमारा एग्जाम का ट्रेंड क्या है। और हमें लग रहा है इस तरह से अगर आप करते हैं तो ऑब्वियसली बात है जनरल स्टडी में 180 प्लस मार्क्स, 190 के अबाउट मार्क्स कल भी श्रीकांत बोला, जो कि 180 प्लस मार्क्स पेपर वन में उसे आ रखा है। तो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा न केवल पेपर वन में बल्कि पेपर टू में भी हमें 180 प्लस मार्क्स हम ला सकते, इसलिए मैंने पहले पेपर टू को ही लिया है। तो अब देखते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक है। इसमें जो टॉपिक है आपके पास एग्रीकल्चर बेस्ड टॉपिक है, ऑब्वियसली बात है एक क्वेश्चन एग्रीकल्चर से आपके रहते ही रहते हैं, 90% चांस है एक क्वेश्चन आपका एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर पॉलिसी और बिहार के कंसर्न में तो होगा ही होगा। ये टेस्ट आपको हो रहा है 2/11/2022 में, और इसमें कौन कौन सा टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं। एग्रीकल्चर बेस्ड टॉपिक है, पहला होगा फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। फीचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर भारतीय कृषि की विशेषता में ऑब्वियसली बात है भौगोलिक विशेषता और आर्थिक सामाजिक विशेषता, दो डायमेंशन बनेंगे। दोनों डायमेंशन के कलेक्टिव अप्रोच के साथ देखेंगे। पहले भी क्वेश्चन पूछा था और कमिंग डेज में भी क्वेश्चन होगा। फिर उसके बाद बिहार एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स एंड इट्स पॉलिसी, बिहार एग्रीकल्चर इकोनॉमी है ऑब्वियसली बात है यहां से क्वेश्चन पूछने की संभावना होगी और पॉलिसीज भी होंगे। एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी, कृषि मूल्य नीति क्या है इंडियन गवर्नमेंट का, किस तरह से एग्रीकल्चर को लेकर के इंडियन गवर्नमेंट फार्मर को मैक्सिमम प्राइस डिलीवर करती है और कंज्यूमर को मिनिमम प्राइस अवेलेबल कराती है, तो उससे निकलता है हमारा सब्सिडी। सब्सिडी क्या होगा, कृषि सब्सिडी रिलेटेड इश्यूज और उसका WTO कंसर्न क्या है, क्यों WTO में इंडियन सब्सिडी का वो अपोज किया जाता है, क्या उसके मुद्दे क्वेश्चन भी आ रखे हैं आपके। फिर उसके बाद फूड सिक्योरिटी एंड रिलेटेड इश्यूज, खाद्य सुरक्षा क्या होता है उससे संबंधित मुद्दे क्या है, यह भी क्वेश्चन आ रखा है और इसके भी आने की अभी संभावना है। फिर मेजर्स टू इंप्रूव द फार्मर्स इनकम एंड प्रोडक्टिविटी, ऑब्वियसली बात है इंडियन गवर्नमेंट और बिहार गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं किसानों के आय को बढ़ाने के लिए और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इनहेंस करने के लिए। इस तरह इस डायमेंशन बेस्ड क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आप जब कर ले जाएंगे तो आसानी से एग्रीकल्चर का, अगर मान लीजिए डायरेक्ट इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं लेकिन इससे मिलता जुलता क्वेश्चन होता है, तो आप उसको करने में कर पाएंगे, मीन्स आप उसको करने में सक्षम होंगे। इसी तरह से फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इंपॉर्टेंट है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज विद रेफरेंस टू बिहार भी हम लोग देखेंगे। फिर एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड डाइवर्सिफिकेशन, कृषि विपणन और विविधीकरण इंपॉर्टेंट है, ग्रीन रिवॉल्यूशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसे टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार गवर्नमेंट भी ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट कर रही है। बिहार में देखो श्री मेथड ऑफ एग्रीकल्चर यह क्या है टेक्निक, और इंडियन गवर्नमेंट भी ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट कर, इससे संबंधित क्वेश्चन आपके पास होंगे। फिर न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी क्या है, भारत सरकार की नवीन कृषि नीति क्या है, सेम टाइम बिहार सरकार की नवीन कृषि नीति क्या है। उसी तरह से फिर आप देखेंगे एग्रीकल्चर का संबंध ज्योग्राफिकल फैक्टर से भी है, तो यहाँ पे आप इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी एक साथ है लेकिन लेटेस्ट ट्रेंड जो आप देखेंगे ज्योग्राफी के कोर टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, जैसे कि मॉनसून है या फिर आपको हिमालय है कि जियोग्राफिक डिविजन है या फिर सॉइल है, लेकिन हम लोग उसको भी कवर अप करेंगे। लेकिन इंटरलिंक टॉपिक जैसे मॉनसून किस तरह से इंडियन एग्रीकल्चर को इन्फ्लुएंस करता है, किस तरह से बिहार के कृषि को प्रभावित करता है, ऐसे टॉपिक बेस्ड क्वेश्चंस भी आपके पास होंगे। तो 2 तारीख को हमारा जो टेस्ट होगा वह ऑल अबाउट एग्रीकल्चर, जितने भी एग्रीकल्चर के डायमेंशन है उससे क्वेश्चन होंगे और साथ ही साथ इकोनॉमिक्स के कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उससे क्वेश्चन होंगे, जैसे पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉपुलेशन, ऑब्वियसली बात है गरीबी बेरोजगारी और जनसंख्या
से इंटरलिंक करते हुए क्वेश्चन आता है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग डिजाइन करेंगे। क्वेश्चन पूछ भी रखा है जो भारत जो है, भारत जो का इकोनॉमिकल ग्रोथ, रोजगार विहीन आर्थिक इकोनॉमिकल ग्रोथ है भारत में, मींस भारत जो है रोजगार इंप्लॉयमेंट लेस इकोनॉमिकल ग्रोथ के जाल में साइकिल में फंस गया, इस तरह के कुछ क्वेश्चन जो आपको देखेंगे और सेम टाइम आपको जब एक्सप्लेनेशन मिलेगा उसके ऊपर आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाएगी। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी क्वेश्चन आ रखा है, फिर बिहार इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स, बिहार में औद्योगिकरण से संबंधित क्या समस्याएं हैं, एंड बिहार गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, बिहार गवर्नमेंट किस तरह से एमएसएमई इंडस्ट्री और को डेवलप करने के लिए बिहार सरकार ने पॉलिसी ला रखा है, तो इस तरह की कुछ बातें और इस तरह के कुछ टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। किस डेट में ये टेस्ट का डेट है आपका 2/11/2022, ठीक है। नेक्स्ट टेस्ट हमारा हो रहा है 5 तारीख को आफ्टर 3 डेज, इसमें भी हमारा इकोनॉमी बेस्ड टॉपिक ही होगा लेकिन टॉपिक का डायमेंशन चेंज है, इसमें कोर इकोनॉमिक्स बेस्ड टॉपिक है जैसे न्यू मिनरल पॉलिसी या फिर न्यू इंडिया मींस व्हाट, मेक इन इंडिया इंडस्ट्रियल पॉलिसी, मेक इन इंडिया स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ये सारी चीजें क्या है, गति शक्ति प्रोग्राम क्या है, उसके बाद आपका जो है रीजनल प्लानिंग एंड इकोनॉमिकल डिस्पैरिटीज, प्रादेशिक नियोजन और आर्थिक विषमता, क्वेश्चन पूछ रखा है यहां से और इससे पूछने की संभावना है बिकॉज ऑफ बिहार जो है वह पिछले स्टेट के कैटेगरी में डेवलपमेंट प्लानिंग हुआ है, प्लानिंग से डेवलपमेंट हुआ है लेकिन केंद्र स्तर के डेवलपमेंट मॉडल के साथ बिहार एडजस्ट नहीं कर पाया है, जिस कारण से बिहार जो है वह गरीब राज्य की श्रेणी में है, तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। उसके बाद करंट अफेयर्स बेस्ड जो क्वेश्चन है वह भी देखेंगे, कोरोना पैंडेमिक के बाद जो इकोनॉमी में जो चेंजेस आए हैं उससे क्वेश्चन निकाल के हम लोग डिस्कस करेंगे, तो इससे हमारा क्या होगा इकोनॉमिक्स का हर एक एंगल क्लियर हो पाएगा, करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे। ये टेस्ट आपको 5/11/2022 को होगा। उसके बाद सिलेक्टेड टॉपिक वाइज टेस्ट होने के बाद आपको एक अंडरस्टैंडिंग और एक आइडिया मिल जाएगा, देन फिर हम लोग जिस तरह से इंडियन पॉलिटी में लिए थे उसी तरह से फुल लेंथ टेस्ट इंडियन इकोनॉमी और ज्योग्राफी का आपको 8/11/2022 का होगा। ये तो डिजाइनिंग है, सैंडविच प्रोग्राम जो हमारा है, फुल लेंथ टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिर टॉपिक, फिर न्यू क्वेश्चन बेस्ड फुल लेंथ टेस्ट, देन फिर अगेन दूसरा सेक्शन। आइए दूसरा सेक्शन क्या है, दूसरा सेक्शन ऑब्वियस सी बात है इंपॉर्टेंट है, पेपर वन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हिस्ट्री पीवाई यूएस है, और देन फिर टॉपिक वाइज चूंकि मैं यहां पर डिस्कस नहीं करूंगा, ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो डिस्कस है जो कि हमारा पुराना स्टूडेंट हमारे सीएसपी एकेडमी से जुड़ा हुआ और उसका सिलेक्शन भी हो चुका है, उसने डिटेल्स में डिस्कस कर रखा है, तो आप वहां से उसको लिंक देख सकते हैं, वहां से उसको आप टॉपिक को कवर अप कर सकते हैं। यहां मैंने केवल टॉपिक दे रखा है, इस टॉपिक को भी आप चाहे तो यहां से डाउनलोड कर सकते हैं या लिख सकते हैं जो दे रखा है। 14/11/2022 को कौन सा टेस्ट होगा, ये सारे टॉपिक के टेस्ट होंगे। फिर उसके बाद 16/11/2022 को कौन सा टेस्ट होगा, ये सारे टॉपिक होंगे। फिर 18/11/2022 को हमारा फिर से फुल लेंथ टेस्ट हिस्ट्री का एकदम एग्जैक्टली ये जो डिजाइनिंग है ये बहुत ही इफेक्टिव डिजाइन है, पहला पीवाई क्यूएस और लास्ट न्यू डिजाइन क्वेश्चन। पीवाई क्यूएस आपको ट्रेंड बताएगा, न्यू डिजाइन क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने वाले एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होंगे जो हो सकता है एज इट इज एग्जाम में भी आए, हालांकि एज इट इज तो क्वेश्चन नहीं होते हैं लेकिन उससे मिलते जुलते क्वेश्चंस होंगे। आइए अब देखते हैं अगला सेक्शन क्या है हमारा नेक्स्ट टेस्ट का। फिर हमारा साइंस टेक 20/11/2022 को साइंस टेक बेस्ड टॉपिक होंगे, लाइक एनर्जी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, रिन्यूएबल एनर्जी और एनर्जी पॉलिसी ऑफ बिहार, फिर साइंस एंड टेक में इथेनॉल पॉलिसी, बिहार गवर्नमेंट की इथेनॉल पॉलिसी, सेमीकंडक्टर, स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0, जैसे टॉपिक को हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे आपके। फिर उसके बाद देखते हैं 23/11/2022 को इंटरनेशनल रिलेशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे आपके, जियोपॉलिटिक्स ऑफ इंडियन ओशियन, रिलेशन ऑफ इंडिया विद इट्स नेबर कंट्रीज क्या है, बायलैटरल रिलेशन, मल्टीलैटरल रिलेशन, डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उससे संबंधित जो बातें हैं, उससे संबंधित जो इश्यूज हैं, जो रिलेशनशिप है उससे उसपे बेस्ट क्वेश्चंस होंगे। बेसिकली ये सारे क्वेश्चन करंट अफेयर्स बेस्ड होंगे जो कि आपके एग्जाम में आएंगे। फिर देखते हैं आगे हमारा टेस्ट का शेड्यूल क्या है, 25 तारीख को 25/11/2022 को डीआईए स्टेट्स फुल लेंथ टेस्ट है, डीआई और स्टेट स्टैटिस्टिक्स का हमारा फुल लेंथ टेस्ट सेपरेट टेस्ट होगा जो कि 25/11/2022 को होगा। फिर उसके बाद आपका जो सीरीज है 15 टेस्ट हमारे सेक्शनल है और इस सेक्शनल टेस्ट में फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, पहला
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हर एक सेक्शन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ट टेस्ट होगा, और उसके बाद अलग अलग टॉपिक्स है, और देन फिर लास्ट में न्यू डिजाइन क्वेश्चंस होंगे फुल लेंथ, और उसके बाद फुल लेंथ कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सभी सब्जेक्ट को मिलाकर के, जैसे एग्जाम में होता है पेपर वन और पेपर टू के फॉर्म में। यह 27/12/2022 से स्टार्ट होगा, फिर 27 को टेस्ट होगी, फिर आफ्टर थ्री डेज 13 को होगी, फिर 2/12/2022 2 दिसंबर 2022 को होगी, फिर 6 को, फिर 9 को, फिर 11 को, फिर 15 को। तो इस तरह से हमारा पूरा टेस्ट का प्लानिंग है। इस टेस्ट के प्लानिंग में थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं, कुछ नए टॉपिक भी एड ऑन हो सकते हैं, वो जिस समय टेस्ट होगा उस समय डिसाइड किया जाएगा, लेकिन यह टेस्ट आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और इस टेस्ट को आप इफेक्टिवली यूज करते हैं, और इस टेस्ट को आप देते हैं, और इस टेस्ट के सारे डिस्कशन को आप अटेंड करते हैं, और इस टेस्ट के साथ जो स्टडी मटेरियल्स वगैरह आपको मिलता है उसको फॉलो अप करते हैं, यह आपके एग्जाम में मार्क्स को इनहेंस करने में, क्वेश्चन तक रीच करने में आपको हेल्प करेगा। तो यह टेस्ट हमारा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 16 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। यह टेस्ट दोनों ही मोड में होगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में होगा। इसका एडमिशन स्टार्ट है, आप लोग आकर के अपना सीट इनरोल करा सकते हैं, ठीक है। तो इसके साथ ही हम इस सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं, और नेक्स्ट सेशन में हमारा ज्योग्राफी ऑप्शनल के एक पेपर का हमारा बना हुआ है, सेकंड पेपर का सिलेबस डिस्कशन होगा, और ज्योग्राफी ऑप्शन के टेस्ट का शेड्यूल क्या होगा इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू।